क्वेश्चन नंबर 18, ए हाइड्रोजन कंटेन्स ए प्रोटोन एंड इलेक्ट्रोन्स। ये हाइड्रोजन आइटम है, उसके अंदर एक प्रोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और प्रोटॉन जो है उसके सेंटर पे है। आर की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स निकालनी है किसके बराबर होगी। तो चार्ज के बीच में फोर्स किसके बराबर है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसके बराबर के की वैल्यू है 9 × 10⁻¹, क्यू की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹, क्यू टू की वैल्यू है 1.6। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड है तो इसलिए इसका भी पॉजिटिव चार्ज लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज लिया। आर स्क्वेयर 0.053 एंगस्ट्रोम है, उसके मीटर बनाने 10⁻¹⁰ का स्क्वेयर। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.8 अप्रोक्सीमेट 10⁻⁸ न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और उसकी रेडियस हमें गिवन थी 0.53 एंगस्ट्रोम। इस पे प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है। हमें इसकी स्पीड बतानी है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है। तो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उस पर एक फोर्स लग रही है, फोर्स क्या, सेंटीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगा, 9 × 10⁻¹⁹ ई। ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू ई के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर 0.53 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर। एम वी स्क्वायर आर जो है ये किसके बराबर होगा, इसको क्या मानेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल किसके बराबर होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसका मास, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, 0.53 × 10⁻¹⁹ इसके बराबर होती है। इसको हम कैंसिल करते हैं इससे, तो वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 9 × 10⁻¹⁹ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर अपॉन 0.53 × 10⁻¹⁹ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻¹⁹। ये आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होता है, 9.1 × 10⁻³³ किलोग्राम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जो है आपको याद होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं तो याद है 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से, हाई स्पीड से